नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का राजस्थान अड्डा 247 पर। और एक छोटा सा चैप्टर बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ने वाले भांकड़ा नागल बांध परियोजना। क्या है भांकड़ा नागल बांध परियोजना? ये वही परियोजना है जिसकी जान और शान और मान तीनों की स्थिति इंडिया के दृष्टिकोण में पढ़ी जाती। ये वही परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है। देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जब बात करते हैं तो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति जिस परियोजना से होती है उसको बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से हम संबोधित करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आप जानते हो, सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो टेम्स नदी यूएसए के अंदर बात करो तो उसको देखकर कॉपी की गई है और पहली बहुउद्देशीय परियोजना टेम्स नदी है। उसके बाद वो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना टेम्स नदी से कॉपी करके इंडिया के अंदर जो बनाई गई वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो है, ध्यान रखिएगा, भांकड़ा नागल बांध परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे पहले इस परियोजना की बातचीत का सिलसिला यदि जारी करें तो 1944 ईस्वी में, कब 1944 ईस्वी में शुरू हुआ और पंजाब के, ध्यान रखिएगा, राजस्व मंत्री छोटू राम और बिलासपुर राज्य के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते के बाद में 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट को पूर्णतः प्लान करने का दिमाग में आया। कुछ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिनका स्वागत है, और वीरा नमस्कार, प्रेम नमस्कार, बंटी नमस्कार। एक बार सेक्शन को मैक्सिमम शेयर कर दो, एक बार मैक्सिमम शेयर कर दो सेक्शन को, प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कर दो सेक्शन को, फास्टली मैक्सिमम शेयर कर दो। मैक्सिमम शेयर करोगे तभी तो पार पड़ेगी आगे, फटाफट मैक्सिमम शेयर करो फटाफट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस बांध की जब विचारधारा 1944 में पहली बार आई, उसके बाद में 1946 से लेकर 1948 के बीच में इसका काम करना या इस बांध को बनाने की जो प्लानिंग है वो ऑन ग्राउंड आने लगी, ठीक है। और बात एकदम एग्जैक्ट कंडीशन की करते हैं तो ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखिएगा, इस बांध का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया। और इसका निर्माण कार्य जो है अमेरिकन एक इंजीनियर जो थे, अमेरिका के एक इंजीनियर थे हॉर्वे, उस हॉर्वे नामक व्यक्ति द्वारा अक्टूबर 1963 में इस बांध को क्या कर दिया, पूरी तरह समाप्त कर दिया, मतलब समाप्त से मतलब बना के इसको कंप्लीट कर दिया। तो एक बहुत ही रोचक कहानी है, उस पूरी रोचक कहानी में यदि आप बांध के शेड्यूल की स्थिति को देखते हो तो मैं आपको एक एक पॉइंट के साथ की कंडीशन आपको लेके चलता हूं कि क्या है भांकड़ा नागल बांध परियोजना। आज देखेंगे, आज पढ़ेंगे तो लबालब हो जाएंगे। भांकड़ा नागल बांध परियोजना, कौन सी परियोजना? भांकड़ा नागल बांध परियोजना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भांकड़ा नागल बांध परियोजना का पहला विचार 1944 ईस्वी में आता है, ठीक है, और 48 में इसका क्या होता है, काम बनना शुरू हो जाता है, और 1955 में बिल्कुल ही एक्यूरेट आ जाती है, और 1963 के अंदर जाकर क्या है, ये पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाती है। तो एग्जैक्ट पॉइंट टू द पॉइंट डेट के साथ आप जब नॉलेज लेते हैं तो ये दिमाग में आपके होता है, ठीक है। ये पूरी स्थिति आपके भांकड़ा नागल बांध परियोजना की। इसके बाद में भांकड़ा नागल बांध परियोजना का संबंध किस नदी से, पॉइंट नंबर दो, उस नदी का नाम बताओ जिस पर यह परियोजना कार्यरत है, तो सतलज नदी पर है बेटा। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर भांकड़ा नागल बांध परियोजना। तो संबंधित नदी कौन सी हो गई? संबंधित नदी हो गई यहां पर सतलज नदी, संबंधित नदी के संदर्भ में पढ़ी जाएगी, यह आपको ध्यान रखना। इस परियोजना पे महत्वपूर्ण दो बांध है, कितने बांध है? दो, एक भांकड़ा बांध है बेटा, एक भांकड़ा बांध है और एक नागल बांध है। एक भांकड़ा बांध है, एक नागल बांध है, ये दो महत्वपूर्ण बांध है और दोनों बांध एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। फर्क इतना सा कि एक बांध जो है ये पंजाब के अंदर है नागल बांध, और ध्यान रखिएगा भांकड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। दोनों की कंडीशन अलग अलग है ना, कई बार पढ़ते समय ध्यान रखना, दोनों के बीच में लगभग 13 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का? 13 किलोमीटर का। ये मैं सारा मैपिंग पे आपके बताऊंगा, एक बार कुछ फैक्ट है जो डिटेल के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं तो वो बता सकता हूं। तो 13 किलोमीटर की दूरी के बीच में भांकड़ा और नागल दो बांध है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो आपको ध्यान रखना है,
मुख्य उद्देश्य क्या है भाकड़ा नागल बांध परियोजना का? दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए, एक तो सिंचाई के लिए और एक, ध्यान रखिएगा, सिंचाई के लिए और एक विद्युत उत्पादन के लिए। सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से इस परियोजना का उद्देश्य रखा गया। भाकड़ा नागल बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुउद्देश्यीय परियोजना, और भी कहीं ना कहीं उद्देश्यों की पूर्ति होती है, बट मैं कह रहा हूं दो मुख्य उद्देश्य कौन से हैं, एक तो सिंचाई परियोजना है और एक विद्युत उत्पादन है। अब दोनों की स्थिति की डिटेल्स जब आप पढ़ते हो तो आपको डिटेल्स में मैं आके लेके चलूंगा। इसके बाद में ध्यान रखिएगा इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो हैं राज्य कौन कौन से हैं। परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। तो आपको सबको पता है ये संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। और जब संयुक्त परियोजना आती तो कितने राज्यों का रोल है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यदि कुछ बच्चों में कुछ थोड़ा बहुत दिमाग है तो वो अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। जब संयुक्त परियोजना, तो मुझे ये बताइए कि संयुक्त परियोजना में क्या कंडीशन रखी जाएगी, संयुक्त परियोजना में क्या कंडीशन रख जाएगी, बताओ फटाफट से। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त परियोजना में जैसे ही आप पढ़ोगे तो संयुक्त परियोजना में कौन कौन से स्टेट इसमें आएंगे, ध्यान रखिएगा पंजाब इसमें आएगा। कौन आएगा? पंजाब, समझ में आया। हरियाणा इसके अंदर आएगा। कौन आएगा? हरियाणा। हिमाचल प्रदेश इसके अंदर आएगा। कौन आएगा? हिमाचल प्रदेश इसके अंदर आ जाएगा। और इसमें कौन आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। पर बेटा कई बार ऑप्शन चार के साथ नहीं होकर पांच कर होता है, यदि आपको जोड़ने की जरूरत पड़े तो ध्यान रखिएगा किसको और इंक्लूड इसमें करोगे, तो दिल्ली को और आप इसमें इंक्लूड करोगे। ये आपकी मजबूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं पेयजल की पूर्ति के लिए दिल्ली को इसको पानी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मेरा उद्देश्य तो मैंने बताया, दो महत्वपूर्ण उद्देश्य, एक तो सिंचाई के लिए और एक पेयजल, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन, है ना, विद्युत उत्पादन। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली को भी इसको आंशिक रूप से, मतलब दिल्ली को पानी प्राप्त होता है, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की स्थिति इसमें इंक्लूड हो जाती है, लेकिन आंशिक रूप से दिल्ली भी आप इसमें शामिल करोगे, तो दिल्ली को आपको इसमें शामिल करने की सख्त आवश्यकता है। क्लियर है? अब सतलज नदी पर स्थित यह बहुउद्देशीय परियोजना जब आप पढ़ते हो तो ध्यान रखिएगा संयुक्त परियोजना, और इस संयुक्त परियोजना में, मैंने बोला संयुक्त परियोजना में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी कितनी है? 15.2% कितनी है? 15.2% राजस्थान की क्या मानी जाती? हिस्सेदारी मानी जाती। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है राजस्थान का रोल कितना है, तो 15.2% राजस्थान का रोल है, ये आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना की कुल लंबाई जो ध्यान रखिएगा 649 किलोमीटर है। कितनी? 649 किलोमीटर। और जो पंजाब और हरियाणा के दृष्टिकोण से पढ़ी जाती है तो उसकी स्थिति आप बना सकते हो। तो 649 में से कितनी? 649 किलोमीटर इसकी क्या कुल लंबाई है, जिसमें से 169 की बात करोगे, 169 की आप बात करोगे तो 169 की स्थिति आपके सामने किसकी आ जाएगी? तो 169 की स्थिति पंजाब की आ जाएगी, और 14 किलोमीटर की स्थिति आपकी किसकी आ जाएगी? 14 किलोमीटर की स्थिति आपकी हरियाणा की आ जाएगी। और बाकी की बची हुई जो कंडीशन है वो किसके संदर्भ में पढ़ी जाएगी? बाकी की बची हुई कंडीशन आपके राजस्थान के संदर्भ में पढ़ी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा भाकड़ा नागल बांध परियोजना की स्थिति जब आप पढ़ते हो तो ये लेंथ के साथ पूछी जाने वाली कंडीशन है। अब इस भाकड़ा नागल बांध परियोजना को बेसिक में स्टेप पर आपके सामने लेकर आता हूं। तो कैसे भाकड़ा नागल बांध परियोजना है, ध्यान रखिएगा भाकड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से नदी निकलती है और निकलकर ऐसे नदी बहती है, और बहने के बाद यहां पर इस पर पहला जो बांध आप देखोगे, सतलज नदी पर यदि बांध की स्थिति आप देखोगे तो आप समझ जाओगे क्या बांध है और कैसे कंडीशन इसकी बनी हुई है। ठीक है, बांध नंबर एक हो गया, और दूसरा बांध और अपन देख सकते हैं। तो यहां पर दो बांधों की स्थिति मैं आपको बताता हूं, ठीक है, और दो बांधों की स्थिति आप देख सकते हो, है ना, और आगे जाकर यही नदी की स्थिति आप जब देखोगे तो यहां पर स्थिति आप समझ जाओगे। ये एक नदी और आती है, ये व्यास नदी है, इस पर भी दो बांध हैं। कितने बांध हैं? दो बांध हैं। और इन दोनों बांधों की स्थिति आप जब पढ़ोगे उसका भी लाइजन मैं आपको बताऊंगा कि क्या लाइजन है, आपको दिमाग में रखना है बस, है ना। और यहां आके जाकर ये दोनों नदियां जिस जगह आकर मिलती है उस जगह की स्थिति को आप पढ़ोगे तो ये एक और बांध बनेगा, और इस बांध की स्थिति आप देखोगे और यहां से इस तरह से कंडीशन आपकी बन जाएगी। देखो ये जो है, ये नदी जो निकली है, ये नदी है आपकी सतलज नदी,
कौन सी नदी है? सतलज नदी है। और यहाँ पर कुछ बांधों का दृष्टिकोण एक साथ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को सही तरह से समझ पाए। ये आपका बांध है, ध्यान रखिएगा, भांकड़ा बांध। कौन सा बांध है? भांकड़ा बांध है, ठीक है। और ये बांध कौन सा हो गया आपका? ये नागल बांध हो गया। कौन सा बांध हो गया? नागल बांध हो गया। एक भांकड़ा बांध हो गया, एक नागल बांध हो गया। और बेटा ये बांध है आपका हरिके बेराज। हरिके बेराज कौन सा बांध है? ये हरिके बेराज बांध है, ठीक है। तो इस तरह से स्थिति में देखते हो, और हरिके बेराज बांध से फिर ये जो निकली है, ये नहर कौन सी निकली है? ये है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान फीडर है। कौन सी है? राजस्थान फीडर नहर निकलेगी, ठीक है। अब बात ये है कि आप इसको जब देख रहे हैं तो आप इसको देखेंगे तो कैसे एक दूसरे से लाइजन बनेगा वो मैं बताता हूं। उससे पहले स्टेप टू स्टेप मैं आपको लेके चल रहा हूं। स्टेप टू स्टेप आप पढ़ोगे तो आपकी चीज समझ में आएगी, एकदम एक्यूरेट समझ में आएगी। तो देखिएगा, पहला बांध कौन सा बना? भांकड़ा बांध बना। दूसरा बांध कौन सा बना? नागल बांध। अब भांकड़ा बांध के बारे में थोड़ी सी अपन बात करते हैं, ठीक है। भांकड़ा बांध की आप बात करेंगे तो 261 मीटर ऊंचा बांध आपको पता है, टिहरी बांध है। 261 मीटर ऊंचा बांध कौन सा है? 261 मीटर ऊंचा बांध है, मीटर ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ये उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड के अंदर कहां पर है? भागीरथी, भागीरथी और भिलंगाना, भागीरथी और भिलंगाना नदी पर 261 मीटर ऊंचा बांध, ये ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद में 225 या 226 मीटर ऊंचा बांध जो गुरुत्वाकर्षण, आप बात करते हो, ध्यान रखिएगा, गुरुत्वीय शक्ति के कारण। कौन सी शक्ति के कारण? गुरुत्वीय शक्ति के दृष्टिकोण से 255 मीटर, 225 मीटर की स्थिति आप पढ़ोगे तो 225 मीटर या 226 मीटर की स्थिति का दृष्टिकोण आप देख सकते हो, ठीक है। देख पाओगे नहीं देख पाओगे बताओ फटाफट से, क्या कंडीशन इसमें रहेगी? फटाफट से देखो क्या रहेगी बताओ मुझे, फटाफट से एक बार बताएंगे, ठीक है। बिलासपुर के अंदर 226 मीटर है ना, बिलासपुर के अंदर कितना है? बिलासपुर शहर मैंने यहां पर डाल दिया, बिलासपुर, और 226 मीटर, ध्यान रखिएगा, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। और इसी बांध के पश्चिम की ओर आप जाओगे तो बांध के पश्चिम की ओर देखोगे तो यहां पर एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील है। ये गोविंद सागर झील है बेटा। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील है ना। ये गोविंद सागर झील की स्थिति आप इसमें देख सकते हो। और गोविंद सागर झील की स्थिति के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें पढ़ोगे तो क्या इसमें देखो, यहां पर ये स्थिति हो गई। उसके बाद में दूसरा बांध है नागल बांध। दूसरा बांध कौन सा है? नागल बांध है। और नागल बांध की आपने बात कर दी तो नागल बांध की स्थिति से आप समझ जाओगे क्या स्थिति नागल बांध से। तो दो नहरें निकाली गई है, लेकिन मुख्य बांध जो है वो कौन सा है? मुख्य बांध कौन सा है? भांकड़ा बांध है। मुख्य बांध कौन सा है? भांकड़ा बांध है। ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य बांध की स्थिति भांकड़ा बांध में। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं। नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बेस्ट एवं परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यह स्थिति आपके समझ में आएगी। अब इस भांकड़ा बांध की बात करोगे तो भांकड़ा बांध की स्थिति में मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखिएगा, इस बांध का जो निर्माण कार्य 1948 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1948 से, और 1963 ईस्वी तक। जब भी थोड़ी देर पहले मैंने परियोजना की बात करी, मतलब ये समझ जाओ कि वो पूरी बात भांकड़ा बांध की है ना। और इसके पीछे गोविंद सागर झील है, जो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के नाम पर वो नाम रखा गया। 1963 में इस बांध को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु के नाम से क्या किया? संबोधित किया। तो ये स्थिति सारी जो है किसकी है? भांकड़ा बांध की। किसकी है? भांकड़ा। अब इस भांकड़ा बांध से राजस्थान को कैसे लाभ है, राजस्थान को कैसी स्थिति का दृष्टिकोण देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, इस बांध से कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट है। कितनी है? विद्युत उत्पादन क्षमता 1325 मेगावाट। कुल विद्युत उत्पादन, विद्युत क्या उत्पादन 1325 मेगावाट क्या है? क्षमता है 1325 मेगावाट की क्षमता कुल विद्युत उत्पादन में भांकड़ा नागल बांध से। अब इस नागल बांध की स्थिति को मैं आपको बताता हूं। दूसरा जो बांध है भांकड़ा के बाद में, सेकंड बांध, वो है नागल बांध। कौन सा बांध है? नागल बांध है। इस नागल बांध से ध्यान रखिएगा, लगभग 2 से 3 नहरें यहां पर निकाली गई। बिस्त दोआब नहर है, सरहिंद नहर है, और भांकड़ा नहर है। कितनी नहर है? 3 नहरें। ध्यान रखिएगा, बिस्त दोआब नहर निकाली गई है, सरहिंद नहर निकाली गई है, बिस्त दोआब, बिस्त दोआब है ना, और सरहिंद, सरहिंद, सरहिंद नहर निकाली गई है, सरहिंद नहर,
समझ में आ रहा है कि आपको, मैं यहां पर इससे तीन नहरें निकाल रहा हूं, कितनी नहरें, तीन नहरें, और एक जो नहर निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं कौन सी नहर आपकी, ये इससे निकाल रहा हूं आपकी भांकड़ा नहर, ये भांकड़ा नहर निकाल रहा हूं, ठीक है, ये भांकड़ा नहर निकाल दी मैंने। तो तीन महत्वपूर्ण नहरें नागल बांध से निकाली गई है, और इसी नागल बांध से भांकड़ा नहर के द्वारा राजस्थान में जो लाभान्वित जिले हैं उनकी हम बेसिक स्टेप पूरी करते हैं, तो कौन कौन से जिलों को इस भांकड़ा नहर से लाभ प्राप्त होता है वो स्थिति आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इस परियोजना से मुख्य रूप से तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को, कौन से डिस्ट्रिक्ट को, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को इससे लाभ होता है, ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को इससे लाभ होता है, लेकिन आंशिक रूप से हनुमानगढ़ के साथ साथ आपको क्या क्या चीज और पढ़नी है वो दिमाग में रखना है कि हनुमानगढ़ के साथ, ध्यान रखिएगा श्री गंगानगर, क्या रखोगे, श्री गंगानगर, सीकर, झुंझुनू और चूरू, समझ में आ रहा है, हनुमानगढ़ तो बेसिक हो गया लेकिन मैंने यहां पर लिखा, दोबारा से मैं लिख रहा हूं, गंगानगर, ये गंगानगर, ठीक है, फिर हनुमानगढ़ दोबारा लिख दिया, सीकर लिख दिया, चूरू लिख दिया और झुंझुनू लिख दिया, मैंने ये इसलिए लिखे थे, तो ध्यान रखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 पांच से छह जिलों को ध्यान रखिएगा इस परियोजना से विद्युत का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है, क्या होता है, विद्युत का लाभ प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा विद्युत का लाभ प्राप्त करने के लिए इस परियोजना की स्थिति का दृष्टिकोण आपको यहां देखने को मिलता है। तो यह स्थिति आपके समझ में आ गई, किन जिलों को यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, इन जिलों को यहां पर विद्युत का विद्युत प्राप्त हो रही है इस परियोजना से, जो भी राजस्थान को मिलती है, लेकिन इस परियोजना से मुख्य लाभान्वित जिला जो सिंचाई परियोजना के साथ पढ़ा जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट इसका मुख्य रूप से माना जाता है। क्लियर है एवरीवन, कमेंट नहीं आ रहे क्या, होल्ड कैसे हो गया, क्लास बंद तो नहीं होगी, चल रही है, ठीक है। तो ये स्थिति आपने देख ली सारी स्थिति, अब देखो मैं इसको लाइजन से आपको पढ़ाता हूं, और लाइजन से पढ़ाता हूं तो ध्यान रखिएगा इस बांध परियोजना में यदि पानी की पूर्ति करनी हो तो क्या कहानी आपके सामने आएगी, ध्यान रखिएगा इसकी स्थिति आप जब देखोगे तो यहां पर इसको इससे लाइजन किया गया है ना, इस बांध से जोड़ा गया, ये व्यास नदी है, मुझे बताओ ब्यास नदी पर ऊपर कौन से दो बांध बने हुए, ब्यास नदी पर कौन से दो बांध बने हुए, इसको बोलता हूं सतलज लिंक चैनल, सतलज लिंक चैनल, कौन सी चैनल है ये, सतलज लिंक चैनल है, और इस सतलज लिंक चैनल के माध्यम से बात करोगे तो व्यास नदी पर दो बांध है, कौन से बांध है व्यास नदी पर, कोई भी बच्चा कमेंट करके मुझे बता सकता है, यदि एवरीवन बच्चे को किसी को पता है कि व्यास नदी पर दो कौन से बांध है, पहले कौन सा बांध बनता है, बाद में कौन सा बांध बनता है, ये मैं आपके कमेंट शेड्यूल को देख रहा हूं, है कोई बच्चा जिसको पता है, एक दिन पहले भी मैंने ये प्रश्न पूछा, उस समय भी ये प्रश्न का आंसर आपसे नहीं आया था, व्यास नदी पर कौन से दो बांध है, नमस्कार नमस्कार सहवाग नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 पर, वेलकम अभिनंदन, बहुत बढ़िया, पोंग और पंडो बांध पहले पोंग बांध बनेगा या पंडो बांध बनेगा, पोंग और पंडो में से पहले कौन सा बांध बनेगा, मैं कहूं कि सतलज लिंक चैनल को पोंग और पंडो में से किससे जोड़ूंगा, पोंग और पंडो में से, एक का संबंध हरिके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर को पानी की पूर्ति कराता है, एक का संबंध भांकड़ा बांध से जो सतलज लिंक चैनल के माध्यम से भांकड़ा बांध को पानी की पूर्ति कराता है, मतलब भांकड़ा नागल बांध परियोजना को पानी की पूर्ति कराता है, एक ध्यान रखिएगा हरिके बैराज को पानी देता है, एक भांकड़ा बांध को पानी देता है, जो हरिके बैराज को पानी देता है वो राजस्थान फीडर के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी देता है, और ध्यान रखिएगा जो भांकड़ा बांध को पानी देता है वो भांकड़ा नहर परियोजना के माध्यम से हनुमानगढ़ जिले को पानी देने का काम करता है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप देखोगे तो ये पहला बांध है पंडोह बांध, कौन सा बांध है, ये पंडोह बांध है और ये पोंग बांध है, तो ध्यान रखिएगा ये पोंग बांध है, दोनों की बहुत बढ़िया लॉजिकल कंडीशन बनती है, पोंग बांध से पानी की पूर्ति हरिके बैराज में होती है और राजस्थान फीडर के माध्यम से सर्दी के मौसम में जब पानी कम हो जाता है हरिके बैराज बांध में, इंदिरा गांधी नहर में पानी कम हो जाता है, उसमें पानी की पूर्ति
किस बांध से की जाती, तो पोंग बांध से की जाती है। और यदि भांकड़ा बांध में पानी कम हो जाए तो उसकी पूर्ति किससे की जाती है, पंडोह बांध से की जाती है। किस के माध्यम से की जाती है, सतलज लिंक चैनल के माध्यम से ये पानी की पूर्ति की जाती है। तो यहां पर मैंने पूरी स्थिति में आपको जितना डाटा आपको अभी 10 से 15 मिनट की क्लास के अंदर दिया, वो सारा आपके दिमाग में आई थिंक सेट हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ? आगे जगह नहीं है मेरे पास, नत्र मैं स्थिति आपको और बता देता और स्थिति में क्या मोड़ दे देता, कि स्थिति के मोड़ की कहानी यह है कि मोड़ में आपको और लॉजिक सेट कर देता। अब जैसे ही आपके पास ये परियोजना आई है, ये कौन सी है, भांकड़ा नहर परियोजना, भांकड़ा नहर परियोजना है ना, और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के किस स्थान पर यहां परियोजना आई और आकर समाप्त हुई, और इससे दो परियोजनाओं का दृष्टिकोण निकल गया। एक निकल गई नोहर नहर परियोजना, कौन सी परियोजना, नोहर नहर परियोजना निकल गई, और एक निकल गई आपको पता है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर पत्रिका, राजीव गांधी गांधी सिद्ध मह गांधी सिद्ध सिद्ध मुख मुख नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्ध मुख नहर परियोजना। इस तरह से ध्यान रखिएगा इन दो परियोजनाओं का दृष्टि, मुझे यह स्थान आपको बताना कमेंट करके, जिन बच्चों को पता है ये कौन सा स्थान है जहां से ये दो शाखाओं में डिवाइड होता है। इस नोहर पर नहर परियोजना से ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हनुमानगढ़ जिले में, और इस परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू जिले में, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में ध्यान रखिएगा लाभान्वित रूप से उनको देखा जाता है। इस जगह का नाम यदि किसी बच्चे को पता है तो मुझे बता दो कौन सा है, मुझे जगह का नाम बता दो तो मुझे, मैं मान जाऊंगा कि ये हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा स्थान है जहां पर ये दो भागों में डिवाइड हो गई है। हनुमानगढ़ नामक स्थान पर कौन से दो भागों में डिवाइड हुई है, पहले हम बहुत बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं, बताओ फटाफट से। पोंग बांध से, बिल्कुल सही, आप ये सही कह रहे हैं, पोंग बांध से 20% है, और पंडोह बांध से जो आप बात करेंगे तो पंडोह बांध से 20% है और पोंग बांध से 59 है, बिल्कुल सही है, वो स्थिति में समझ गया, 20 और 59, ठीक है, बिल्कुल सही है एकदम। पंडोह बांध से 20% विद्युत उत्पादन का दृष्टिकोण देखा जाता है, और ध्यान रखिएगा पोंग बांध से 59 है ना, ये तो स्थिति मैं आपको दिखा चुका हूँ, बेसिक स्टेप में यदि आप चलोगे तो आप स्थिति, लेकिन मुझे इस स्थान का नाम बताया कोई बच्चा जिसको पता है, बताओ फटाफट एवरीवन। नोहर तो ये परियोजना हो गई, नोहर का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, नोहर तो निकल गई, इस स्थान का नाम बताओ जहां से दो शाखाएं डिवाइड होती है, एवरीवन। पंडोह बांध से आपको पता है और पोंग बांध से आपको पता है, पंडोह बांध से 20% और पोंग बांध से 59% विद्युत उत्पादन राजस्थान को प्राप्त होती है, विद्युत उत्पादन उत्पादन किसको प्राप्त होता है, राजस्थान को प्राप्त होता है। एक भी स्टूडेंट नहीं जिसको ये पता है, गई ना भैंस पानी में, डूब गई, जेवड़ा भी ले गई, खुद भी डूब गए हैं। हिंट दो, थोड़ा हिंट दूं इस चीज के लिए, बहुत बार डिस्कशन किया है, बेसिक शेड्यूल में आज ही पढ़ रहे हैं। अच्छा विष्णु, मार ही दिया फिर तो। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थिति जब राजस्थान फीडर के साथ आती है तो राजस्थान फीडर राजस्थान में किस स्थान तक आती है, ये राजस्थान फीडर जब आती है तो किस स्थान तक आती है, इस स्थान का नाम बता दो मुझे, इस स्थान का, हनुमानगढ़ जिले में किस स्थान तक राजस्थान फीडर आती है और फिर जाके मुख्य नहर में कन्वर्ट हो जाती है। ये बता दो, दोनों में से कोई भी बता दो। अरे बहुत बार ये चीजें कराई है, ये बताओ ये कौन से स्थान पर है, ये मसीता वाली हेड हनुमानगढ़, मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड क्या है, हनुमानगढ़ की स्थिति के साथ हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मसीता वाली हेड हो गया, इस स्थान का नाम बताओ जहां से दो शाखाओं में डिवाइड होती है, वो मसीता वाली हेड तो राजस्थान फीडर की बात है, राजस्थान फीडर जो आपकी कितनी है 204 किलोमीटर लंबी है,
अरे मोहनगढ़ कहाँ राजस्थान फीडर में घुसा जा रहा बबुआ, होमवर्क दिया तुमको, बता देना कल तक यदि तुमको नाम पता चल जाए तो। तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, ये बताओ मुझे क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। तो ये स्थिति आपके पूरी क्लियर हो गई भाखड़ा नागल बांध परियोजना की, एवरीवन। और मैंने इस तरह से भाखड़ा नागल बांध परियोजना की स्थिति को आपके सामने एकदम सही तरीके से स्पष्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। बताओ फटाफट से, एवरीवन क्लियर है? पूरी तरह समझ में आ गया? सेक्शन का टाइम क्या इतना सही दिया है, ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता मैं किसी तरह से। खारा गांव शायद सर, गलत खारा गलत नो। अरे मसीता वाली एड से मोहनगढ़ तो भाई साहब मुख्य नहर जाती है, क्यों दिमाग चटका रहा, 256 किलोमीटर मसीता वाली हेड तक राजस्थान फीडर है, फिर मुख्य नहर का निर्माण होता है, मोहनगढ़ जैसलमेर तक जाती है, पहले जाएगी कहां तक, बीकानेर तक जाएगी, कहां तक जाएगी, बीकानेर तक, पुंगल बीकानेर तक जाएगी, फिर पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर जाएगी, मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक जाएगी, वो तो स्टेप भी अलग है। तुम मेरे को जो चीज, अरे वाह मेरे को घुमा रहे हो तुम, वाह भाई वाह। मैंने ऑनलाइन सेटअप में दो बार वो चीज आपको रिपीट कराई है, दो बार, ये हालत है तुम्हारी, ये देख रहा हूं मुझे तुम्हें दर्द आ रहा है, तुम पे दया आ रही है, ठीक है। तो आज इस स्थिति को यहीं स्टॉप करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, धन्यवाद सभी का, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।